हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं बताने वाला हूँ हाउ टू स्कोर 140 मार्क्स इन केमिस्ट्री। अब आप लोग के नीट के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 1 मंथ बचे हुए हैं, और इस 1 मंथ में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में, जो किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे, किस सब्जेक्ट का तैयारी अच्छा करे, जो अच्छा नंबर आ पाए। और एक चीज़ और एक बात है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में उठता है कि 1 महीने में कैसे तैयारी करे कि 550 और 600 प्लस ला पाए। दोस्तों अभी भी टाइम है, ये आ सकते हैं, बशर्ते एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, वो है मेहनत। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि जो भी मैं इस वीडियो में बोलूँगा, और अगर आप उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, तो केमिस्ट्री में, ये केमिस्ट्री का वीडियो है, केमिस्ट्री में आपको 140 से प्लस 140 से अबव आएगा। लेकिन इसके लिए जो आपका टाइम बचा है, जो 1 मंथ का जो टाइम पीरियड है, उसमें जी जान लगाना पड़ेगा, आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे स्टडी प्लान होना चाहिए। दोस्तों स्टडी प्लान का जो मैंने बोला था, तो ये ऐसे है कि आपको केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री 3 सेक्शंस में बटा हुआ है, आप सब लोग को पता होगा। और ये जो 3 सेक्शंस हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, तो आप ये कभी मत सोचना जो किसी एक इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से कर लेते हैं, एक नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक नहीं करेंगे, फिजिकल अच्छे से कर लेते हैं। आपको प्रायोरिटी तीनों को देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तीनों से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको अच्छा नंबर उठाना है, तो आपको तीनों को ही अच्छे से देखना पड़ेगा। और मैं इस वीडियो में इतना अच्छे से आपको ये बताने वाला हूँ, जो आप अगर इतना कर लिए तो 140 कौन कहता है, उससे ज़्यादा ही आपको आएगा। तो आइए इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। यहाँ मैंने 2 भागों में बांटा है, 11th एंड 12th के टॉपिक से। तो 11th में आपको पीरियडिक टेबल, एस एंड पी ब्लॉक, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। दोस्तों इस सबसे क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं, तो इस सब को आप लोग छोड़ना मत। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग 12th वाले टॉपिक में है, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो अब ये जो चैप्टर्स है, इसमें क्या क्या करना है आपको, देखिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है आपको तो बहुत आसानी से हो जाए, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत ही आसानी से आपका हो जाएगा। टाइम आपको किस में लगेगा, एक केमिकल बॉन्डिंग में और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। पीरियोडिक टेबल भी हम लोग नाइन्थ और से ही पढ़ते आते हैं, तो समझ में आ जाता है, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और बहुत जल्दी भी हो जाएगा। एस पी ब्लॉक एंड एस पी डी एफ ब्लॉक जो है, इसमें भी टाइम कम लगेंगे, क्योंकि हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। तो टाइम कहाँ लगेगा, केमिकल बॉन्डिंग में एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। यही इनऑर्गेनिक का जर भी है, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक में आपको कुछ आता हो ना आता हो, बट जी ओ सी प्लीज़ इतना अच्छे से कर लेना, इतना अच्छे से कर लेना, जिसका यू नो कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। जी ओ सी हर कुछ का जर है, जी ओ सी आप बहुत ही अच्छे से कर लेना। उसके बाद मैं कुछ जो है, जो लास्ट के टॉपिक मैं बार बार कह रहा हूँ, जो पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री, इनिबिलिटी लैब, इस सबको आप लोग छोड़ देते हो, आप लोग सोचते हो आ ही जाएगा, बट इसको आप लोग जितना अच्छे से करोगे, वो आपको उतना ही नंबर, जो ही आपको नंबर देगा। अगर मान लो 5 ही क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आपका 20 नंबर सिक्योर हो जाएगा। तो उस चीज़ को अच्छे से कर लेना, लास्ट टाइम में करना, क्योंकि इसमें जो भी है याद करने वाला रहेगा, तो अच्छे से करना, क्योंकि आप इसमें आप लोग अच्छे से नंबर उठा सकते हो, इजीली उठा सकते हो। उसके बाद फिजिकल पे बात आते हैं। ऑर्गेनिक में एक चीज़ और मैं बता दूँ, जितने भी ऑल नेम रिएक्शंस हैं उसको आप लोग समझ लेना, याद कर लेना, जैसे और जो भी कन्वर्जन है, जैसे उस सबको आप लोग अच्छे से कर लेना। उसके बाद जो फिज़िकल में बात करते हैं, फिज़िकल में है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम एंड रिडॉक्स रिएक्शन, इसको तो भूलना ही मत, उसको जितना अच्छे से आप कर सको उतना ही अच्छे से कर लेना। मोल कॉन्सेप्ट, जो मोल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिज़िकल के लिए, क्योंकि वो रीड है, कहीं ना कहीं पूरा इंटरलिंक्ड है। उसके बाद 12th में सॉलिड स्टेट कर लेना, जो कि आसान पड़ेगा। सॉल्यूशन,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। अब मैंने तो ये आप लोग को मैंने क्या बताया है, ये चैप्टर्स बताए हैं जो आप लोग को इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल में करना है। अब एक चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ये जो मैं बताने वाला हूँ जो करना कैसे, क्योंकि ये जो तीनों जो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है और फिजिकल जो है, वो तीनों को करने का तरीका अलग है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक में अधिकतर चीज़ें जो होते हैं वो याद करने वाले होते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने लिखा है वो फॉलो एनसीईआरटी। आपको प्लीज़ 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 एनसीईआरटी ही आपको फॉलो करना है, क्योंकि ये केमिस्ट्री बायो के लिए बहुत ही इनफ है नीट एग्ज़ाम के लिए। दूसरा, एनसीईआरटी का जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस है, वर्ड है, एक एक लाइन जो इम्पोर्टेंट है उसको मार्क करो, उसका नोट्स बनाओ, क्योंकि लास्ट टाइम में आप बुक कितना बार खोलोगे, लेकिन अगर वो इम्पोर्टेंट लाइन और वर्ड्स आपके पास रहेगा नोट्स बना हुआ, तो आप लोग देख के और रिकॉल कर सकते हो। तीसरा, एनसीईआरटी के जो इनसाइड के क्वेश्चन होते हैं और एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन था, वो बहुत ही अच्छे से लगा डालो, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और चौथा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा। और हाँ, एक चीज़ और, प्रैक्टिस आपको करना नहीं छोड़ना है हर चैप्टर से, जो भी आप चैप्टर पर हो उस चैप्टर से कम 100-150 क्वेश्चन लगाओ, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि आपको उससे बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा। तो इनऑर्गेनिक का यही टिप्स है जो आपको फॉलो करना है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी और कुछ भी नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, इंटेक्स और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, बस इतना ही आपको फॉलो करना है इनऑर्गेनिक में। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक में भी आपको एनसीईआरटी तो फॉलो करना ही करना है, बट ये जो इनऑर्गेनिक से थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है जो अगर आप ऑर्गेनिक को भी जो याद करना चालू कर दोगे ना, तो बहुत कुछ आपको याद नहीं होगा। जैसे जितने रिएक्शंस हैं, SN1 रिएक्शन है, SN2 है, SNAE है, बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, ये जितने क्या कहते हैं कन्वर्जन्स है, ये सब आप याद रटना चालू कर दोगे तो ये आपको याद नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है, ये दूसरा पॉइंट मैंने लिखा, ये नॉलेज बेस्ड है। कहीं ना कहीं जो चैप्टर्स जो हैं ऑर्गेनिक, वो लिंक्ड है, आपको GOC आता है तो आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आएगा, यू नो। तो चीज़ों को समझना सीखे, एनालाइज करना सीखिएगा ऑर्गेनिक में, उसको रटिएगा मतलब उसको समझ के याद रखिएगा, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और उस चीज़ के लिए क्या आपको ज़रूरत पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस मोर एंड मोर मोर एंड मोर करना है। आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको वो आपको करना है। दूसरी बात ये है जो मैंने बोला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इनसाइड एनसीईआरटी के जो इनसाइड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं और नोट्स बनाने हैं आपको, लास्ट टाइम में एग्ज़ाम के जो 1-2 दिन बचे रहेंगे उसमें क्विक रिविजन के लिए उसको में फ़ायदा होगा। तो आपको ऑर्गेनिक में ये करना है। अब फिज़िकल की बात करते हैं दोस्तों। फिज़िकल जो है, फिज़िकल में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो कहीं ना कहीं फिज़िकल को जो है इस दोनों से आपको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। जैसे आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को देख रहे थे, उस तरीके से अगर आप देखोगे तो एक भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे इसमें। मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जितना आप न्यूमेरिकल बना सकते हो, जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो न्यूमेरिकल का, वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी इनफ है, बट अगर आप चाहो तो और भी कोई ले सकते हो, क्योंकि जितना से जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन अलग अलग तरीके का क्वेश्चन लगाओगे फिज़िकल में, वो उतना ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मत भूलना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको नॉलेज आएगा, जो एक पैटर्न आपको पता चलेगा जो किस पैटर्न से पूछा जाता है हर बार। तो फिज़िकल में जो करना है आपको, वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जितना से जितना कर सको, और कॉन्सेप्ट जो है, जितना आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे इसमें उतना ही ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, और उतना ही ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आपको क्वेश्चन के प्रति मिलेगा। तो इसमें जो करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी
एनसीईआरटी तो सब में फॉलो करना है, एंड न्यूमेरिकल मोर, न्यूमेरिकल का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको वो ज़्यादा ही बेटर होगा आप लोगों के लिए। अब फाइनल टिप्स की बात करते हैं जिसमें आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। क्वेश्चन जितना से जितना आप प्रैक्टिस कर सको ये बहुत ही बेनिफिट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा है, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किए हो तो आप एनसीईआरटी फॉलो करो। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाए जो एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाते हैं तो आप एक बुक खरीद सकते हो जो एमटीजी नाम से आता है, क्योंकि उसमें भी चैप्टर वाइज बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट हो सकता है। तीसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मत भूलना। आपके पास क्लास नोट्स हैं उसको रिवाइज करो। ये इतने सारे फॉलो करो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ जो जितना मैंने बताया है इतना आपने कर लिया तो आपको 150 से उससे कम हो ही नहीं सकते हैं आपके नंबर, बशर्ते आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, अच्छे से जैसे जैसे बताया वो करना पड़ेगा। और लास्ट में एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इसे एक महीने में कॉन्फिडेंस लूज़ मत होने देना, थोड़ा भी नहीं लूज़ होने देना। और दूसरी बात है, स्ट्रेस कभी मत करना। स्ट्रेस जब भी आप करोगे उससे आपका परफॉर्मेंस गिरेगा, जो भी आप अच्छा करने वाले रहोगे वो नहीं कर पाओगे। और ये अगर इतना आपने कर लिया, अभी आपको जितना नंबर आ रहा है आपके एग्ज़ाम में इससे अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, और अगर वीडियो पसंद आया हो, मेरा इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कॉमेंट भी कर देना।